हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS और आज हमारा टॉपिक रहेगा डिसीजन मेकिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि हम समझ सकें और इम्प्रूव कर सकें डिसीजन जो हम लेंगे। इसमें तीन सिग्निफिकेंट मॉडल आते हैं डिसीजन मेकिंग में। पहला है क्लासिक मॉडल, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और थर्ड है हर्बर्ट साइमन मॉडल। अब इन तीनों मॉडल की अपने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव हैं और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में ये यूजफुल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है ये बेस्ड होता है आइडिया पे कि रेशनल डिसीजन मेकिंग करनी है और इसमें अस्यूम किया जाता है कि डिसीजन मेकर जो है उसके पास एक्सेस है सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का और वो इवेल्युएट कर सकता है सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव जो कि डिसीजन लेने के लिए हेल्प में आते हैं और इन्हें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और अचीव करते हैं बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो की फीचर देख लेते हैं। सबसे पहला रैशनैलिटी, इसमें फर्स्ट आता है अजम्पशन। तो डिसीजन मेकर जो है पूरी तरीके से रैशनल रहते हैं और चॉइसेस बनाते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। तो इसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करना सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव को और इवेल्युएट करना सभी ऑप्शन को सभी क्राइटेरिया के बेस पे। और इसमें सेलेक्ट करते हैं हम एक एक अल्टरनेटिव जो कि सबसे हमें ऑफर करता है सबसे बढ़िया बेनिफिट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन अवेबिलिटी। तो इसमें आता है फर्स्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि डिसीजन मेकर के पास एक्सेस है सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन का और जो ये इंफॉर्मेशन है ये एक्यूरेट और कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन। तो सारे अल्टरनेटिव जो है वो इवेल्युएट करे जाते हैं उनकी ऑब्जेक्टिव के आधार पे और क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया के आधार पे। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिमल डिसीजन। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन। तो इसका गोल होता है कि हमें अल्टरनेटिव को चूज करना जो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे और मिनिमम कॉस्ट हो उसकी। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। तो ये इसमें अनरियलिस्टिक असम्पशन आता है। इसमें हम अज्यूम करते हैं परफेक्ट रेशनल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो कि हमेशा फीजिबल नहीं होती है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है और ये बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन के लिए और मल्टीपल वेरिएबल में और अनसर्टेनिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। तो इसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है इसे बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये डेवलप करा गया था अल्टरनेटिव के रूप में क्लासिकल मॉडल के अल्टरनेटिव के रूप में। तो ये रिकॉग्नाइज करता है लिमिटेशन ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज की और कंस्ट्रेंट की जो कि इम्पोज होते हैं रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में। अब की फीचर देख लेते हैं। तो पहला है बाउंडेड रेशनैलिटी। तो इसमें डिसीजन मेकर ऑपरेट करते हैं कंस्ट्रेंट के अंदर और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के अंदर। इनके पास कॉग्निटिव बायसनेस भी होती है और टाइम लिमिटेशंस भी होती है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसमें हम इवेल्युएट करने की बजाय सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव को देखते हैं और इसमें डिसीजन मेकर यूज करता है शॉर्टकट ताकि सिंप्लीफाई कर सके डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है सेटिस्फाइंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेटिस्फाई एंड सफाइस। तो इसमें हम ऑप्टिमाइज करने की बजाय डिसीजन मेकर इसमें सॉल्यूशंस ढूंढता है कि ये सॉल्यूशन गुड इनफ है या फिर ये जो सॉल्यूशन है वो हमारी नीड के अनुसार है या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है नोन किया जाता है सेटिस्फिसाइंग। अब नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल डिसीजन। तो इसमें गोल जो होता है वो एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ढूंढने का होता है ना कि एब्सोल्यूट बेस्ट वन सॉल्यूशन ढूंढने का। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।
इसमें फर्स्ट आता है सेलेक्ट अटेंशन। तो इसमें डिसीजन मेकर जो हैं ये फोकस करते हैं लिमिटेड सेट ऑफ अल्टरनेटिव के ऊपर और क्राइटेरिया के ऊपर जो उन्हें कंसीडर करना पड़ता है, जो कि मोस्ट रेलेवेंट और मैनेजेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल डिसीजन। तो इसमें डिसीजन जो होते हैं वो इंक्रीमेंटली लिए जाते हैं और इसमें एडजस्टमेंट करी जाती है ताकि नई इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो सके। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है ह्यूरेटिक्स एंड बायसनेस। तो इसमें हम ह्यूरेटिक्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं और ये सिस्टमेटिक बायसनेस को लीड करता है और इसमें सब ऑप्टिमल डिसीजन भी आता है। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमेशा हम एड्रेस नहीं करते हैं सभी एस्पेक्ट में, सभी एस्पेक्ट प्रॉब्लम के, और हम एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबल अल्टरनेटिव को। अब नेक्स्ट आता है हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है ये बिल्ड करा गया था एक कॉन्सेप्ट की तरह, जो कि बाउंडेड रेशनैलिटी का था, और ये प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क ताकि हम समझ सकें कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर। ये हर्बर्ट साइमन मॉडल फोकस करता है कग्निटिव प्रोसेस के ऊपर और ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग को, और इसमें कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग फेजेस। तो फर्स्ट आता है इंटेलिजेंस, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और समझते हैं प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन। तो इसमें हम डेवलप करते हैं और इवेलुएट करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन और अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट आता है चॉइस, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं सबसे अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव जो कि हमारे इवेलुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है बाउंडेड रेशनैलिटी। तो इसमें फर्स्ट आता है कॉग्निटिव लिमिटेशन, इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को जो कि लिमिटेड होती है और डिसीजन मेकर पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइड मॉडल। तो इसमें डिसीजन मेकर जो होते हैं वो सिंप्लीफाइड मॉडल को यूज़ करते हैं और ह्योरेटिक्स को यूज़ करते हैं ताकि कोप कर सकें हम कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी के साथ। नेक्स्ट आता है सेटिस्फिशिंग। तो इसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आता है पहला पॉइंट। तो हम इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, इसमें डिसीजन मेकर एम करते हैं एक सॉल्यूशन के लिए जो कि सेटिस्फैक्टरी होता है और वो एक्सेप्टेबल होता है गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है अडेप्टिव बिहेवियर। तो इसमें डिसीजन मेकर अडेप्ट होते हैं चॉइसेस चॉइसेस को अडेप्ट करते हैं डिसीजन मेकर, और इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है या फिर इसमें कंडीशन चेंज भी होती रहती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटलिज्म। तो इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आता है फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें डिसीजन मेकिंग करी जाती है जो कि इन्वॉल्व होता है जिसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस, ना कि लार्ज स्केल रिफॉर्म। तो ये अलाउ करती है एडजस्टमेंट बेस एडजस्टमेंट के लिए जो कि फीडबैक के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये इवॉल्विंग सरकमस्टांसिस के ऊपर भी बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। तो इसमें फर्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब हम ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं क्लासिकल मॉडल में या साइबन मॉडल में, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये पूरी तरीके से रियल वर्ल्ड न्यूसेंस को फिर पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन चेंज। तो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं हम सेटिस्फाइंग और इंक्रीमेंटलिज्म के लिए, जो कि चैलेंजिंग हो जाता है डायनेमिक और हाई स्टेक एनवायरनमेंट के अंदर। अब समरी देख लेते हैं। तो हमने क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल पढ़ा, ये एम्फसाइज करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग के ऊपर और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कंसीडर करते हैं आइडियलिस्टिक क्योंकि इसके अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के लिए। नेक्स्ट हमने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल देखा था, ये रिकॉग्नाइज करता है लिमिटेशंस को ह्यूमन कॉग्निशन की और डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रेंट को, फोकस करता है ये सेटिस्फिशिंग पे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट हमने देखा था हर्बर्ट साइमन मॉडल, ये एक्सपेंड होता है बाउंडेड रेशनैलिटी से, इसमें डिटेलिंग दी गई होती है डिसीजन मेकिंग फेजेस पे और
इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं कॉन्सेप्ट जैसे कि सेटिस्फिशिंग इंक्रीमेंटलिज्म, और इसमें प्रोवाइड किया जाता है न्यूसेंस ताकि हम समझ सकें रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को। हर एक मॉडल जो है इसके वैल्यू फॉर वैल्यूएबल इंसाइट है, और इसमें कैसे डिसीजन लिए जाएंगे ये इसमें हर एक मॉडल के अंदर है, और ये हेल्प करता है कि हम समझ सकें सारे फैक्टर्स को और कंस्ट्रेंट को जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को। थैंक यू।